बहुत बड़ी भूमिका होती। इसके साथ साथ वन रक्षी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती। लेकिन 30 वर्ष के बाद भी इस झारखंड जो वनों से आच्छादित प्रदेश है, वन रक्षी की नियुक्ति नहीं हुई। आपकी सरकार बनने के बाद हमने 2188 वन रक्षी की नियुक्ति की, बाकी के लगभग 2000 वन रक्षी की नियुक्ति आने वाले वर्षों में भी हम करेंगे, ताकि वन जो मनुष्य का प्राण है, जिस तरह मनुष्य के शरीर में फेफड़ा, उसी तरह धरती का प्राण ये वन है। इस वन की रक्षा के लिए चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्गण हो, हम सब मिलकर आने वाले समय में, जो अभी हमारे संचालन महोदय कह रहे थे कि अभी 29% संतिक वन से आच्छादित प्रदेश है, इसे हमें 33% करना, और इस 33% वन से आच्छादित प्रदेश बनाने में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी। हम यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण जनप्रतिनिधि से भी अनुरोध करेंगे कि हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में हम अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक गांव में वृक्ष लगे, स्कूल कैंपस में लगे, यूनिवर्सिटी में लगे, कॉलेज में लगे, हर जगह हमें वृक्ष लगाने की जरूरत है। और हम सभी जानते हैं शहरों में रहने वाले लोग या फिर शहरीकरण होने के कारण जिस प्रकार कारों की संख्या बढ़ रही, मोटरसाइकिलों की संख्या बढ़ रही, और किसी फैक्ट्री से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये जो एसी कार से, और ये जो शहरों में मोटरसाइकिल एसी कार की जो आधुनिक जीवन में हम बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, जिससे भी काफी क्षति मनुष्य को हो रही। अभी हाल में आपने टीवी समाचार पत्र में दिल्ली का आपने सब देखा होगा कि किस तरह वहां दिल्ली आज इस पर्यावरण से पीड़ित है। तो ऐसे समय में ये जो वृक्ष है ये ऑक्सीजन देने का काम करता, तो हमें हमारे झारखंड में भगवान ना करे कभी दिल्ली की जैसी स्थिति झारखंड में आए। इसके लिए अपनी आने वाली पुरखों को हम एक पर्यावरण प्रीत झारखंड दे, ये सोच से हम सबको करने की जरूरत। शहरों में पैसे वाले लोग तो एसी जीवन जीते हैं, लेकिन ये वृक्ष जहां गांव में लगे रहते हैं वो तो गांव के लिए वृक्ष एसी का काम करता है। हम देखते होंगे गांव में अगर जो हम जाते हैं तो वृक्ष में गरीब अपना बिछा के आराम से नींद सोता रहता है, इसलिए गांव में एसी का निर्माण इस वृक्षों के माध्यम से ही होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक ध्यान दें। दूसरा, भारतीय संस्कृति में हम सिर्फ वृक्ष को पूजा नहीं करते, हम जीव की भी पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जहां हम जीव जंतु की भी पूजा करते हैं, और इस प्राकृतिक के बिना जो भी भगवान है वो अधूरा। जितने भगवान को आप देख लो, कोई ना कोई भगवान के साथ जीव जंतु लगा हुआ है, चाहे शंकर भगवान हो, चूहा है, सांप है। आप सरस्वती माता को देखिए उसके साथ क्या है, लक्ष्मी माता के साथ देखिए उसके साथ उल्लू है। तो जितने भी देवी देवता है कोई ना कोई जीव उनके साथ है जिनकी हम पूजा करें। उसी प्रकार जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमारा आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो सरहुल का पर्व मनाता, कर्मा उत्सव मनाता, तो जितने भी वृक्ष है ये सनातन समाज और ये सरना समाज हमेशा वृक्षों में अपनी देवी देवता निवास करते। आप देखते हो वट वृक्ष का पूजा
हमारी बहनाएं दीदी करती है। नीम जब गर्मी के समय आता है, चेचक होता है, तो नीम की हम पूजा करते हैं, क्योंकि नीम में मां शीतला का वास। हर वृक्ष के पीछे कोई ना कोई देवी देवता वास करता है। और ये वृक्ष सिर्फ हमें जीवन नहीं देता, ये वृक्ष हमें रोजगार के अवसर भी पैदा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने बांस को इस वन से अच्छा अलग करने का। अब इस वन में जो विभाग ने तय किया कि हम अधिक से अधिक बांस की खेती करें। अब इस बांस की खेती में अगर आप अपने अपने क्षेत्र में देख रहे हो, हमारी बहनें किस तरह बांस से आधारित छोटे छोटे इतनी डिजाइन बनाते हैं, और जिसका यूरोप के कंट्री में बहुत डिमांड। अभी लंदन से दो लोग आए थे, हमारी उनसे बात हुई, वो ट्रेनिंग देंगे हमारी बहनों को, और सादा बांस से आधारित जो उद्योग, छोटे उद्योग, ग्राम उद्योग, सब यूरोप के कंट्री। इस तरह फर्नीचर का काम बांस से, ये वन से अध्याप लोगों को रोजगार देने का भी काम बड़े पैमाने पर कर। केंदू पत्ता का भी आप देख रहे हैं, हमारे झारखंड में केंदू पत्ता काफी होते हैं। 16-17 में झारखंड सरकार ने नई केंदू पत्ता लागू की, उस समय शायद सुखदेव जी अध्यक्ष थे, ये सचिव थे। इस नीति से संग्राहकों को, जो हमारे गरीब आदिवासी के संग्राहकों को, हितों को ध्यान में रखा गया, एवं उनकी देह मजदूरी एवं प्रोत्साहन राशि का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई। इस नीति के लागू होने के परिणाम स्वरूप 2016-17 में संग्राहकों को कुल 60,24,00,000 रुपए का भुगतान हुआ, जो वर्ष 2015-16 से 88% अधिक था। इसी प्रकार 2017-18 के संग्राहकों को कुल 82,00,00,000 राशि का भुगतान किया जा रहा, जो अपने आप में रिकॉर्ड। इससे भी काफी रोजगार, इसलिए वन हमारे लिए जीवन है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं कि हम अधिक से अधिक वन लगाएं। हम अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन में हम अपने बच्चों के नाम पर एक जरूर वृक्ष लगाएं। उसी प्रकार खेत में, क्योंकि परिवार बढ़ने के कारण खेत का भी बंटवारा काफी होगा। हम झारखंड में पठारी क्षेत्र होने के कारण हम खेत की संख्या भी देखें, क्षेत्रफल बहुत छोटी होते जा रही है, क्योंकि एक घर में चार भाई होते हैं तो चार हिस्से में खेत बट है। तो मेड़ में भी काफी जमीन चली जाती है, तो मेड़ के जगह अगर हम बांस लगाएं या फलदार वृक्ष लगाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी मेड़ का भी काम करेगा, और उस बांस को बेचकर या फलदार वृक्ष उत्पादन करके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, 2022 में किसान की आय को दुगुना कर, ये काम भी हो सकते हैं। तो मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधि से अनुरोध करना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बातें जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, अगर ये छोटी छोटी बातें अपने अपने क्षेत्र में, हम अपने में गांव के साथ बैठ करके, किसानों के साथ बैठ के अगर मोटिवेशन का काम करें, तो आप देखेंगे हम 2022 में झारखंड के हर किसान का, हर गरीब का आय को दुगुना कर सकते हैं। और इस तरह आज इस नए नवनिर्मित निर्माधीन विधानसभा में वृक्षारोपण बीते वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी हो रही। मैं माननीय अध्यक्ष जी और इस निर्माण के काम में, जो पूर्व में हमारे इस काम में ज्यादा सुखदेव सिंह जी, सोम साहब, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील सिंह जी, पूरी टीम, और विशेष करके यहाँ के संवेदक, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के मजदूर, जो मेहनत कश मजदूर है, दिन रात एक करके इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत,
जहां 3.25 करोड़ जनता की आवाज सुनी जाएगी, उस पंचायत भवन को निर्माण करने में दिन रात एक किए हुए उन सब